देखो नजारा, वो है निकला चांद। भाई साहब क्या गजब नजारा है। तो भाई बहुत नजदीक आते हुए, बहुत नजदीक। जय बाबा केदार। तो यहाँ कुछ लोगों ने पत्थर लगाए हैं, ऐसे कुछ होगी मान्यता, मुझे तो नहीं पता है। और ये रही मशहूर भीमशिला जिसने त्रासदी में इस मंदिर को बचाया था। जय भोलेनाथ। जय भीमशिला। उधर ही से नीचे जाना पड़ेगा, चलते हैं इधर से भीमशिला के पीछे से होते हुए। जय भोलेनाथ। कौन सा है? 360 स्क्रीम करके। क्या नाम? 360 स्क्रीम, नाम तो दिशांत है हमारा, चैनल का नाम 360 स्क्रीम। सौ का नोट रखे वो दो। क्या है? दर्शन हो गए हैं, अच्छा था। भीड़ थी काफी, रुकने को मौका नहीं मिल पाया, देखते हुए मैं निकल गया। श्रृंगार हो रखा था भगवान का क्योंकि आरती हुई थी। सुबह ऐसा बताया गया है सुबह जाएंगे तो अंदर तक जाने देते हैं गर्भ में, लेकिन देखो अगर सुबह उठ पाए तो ठीक है, जाया जाएगा। बाकी पीछे भी साधुओं को मैंने रोटी और सब्जी खिला दी थी, वहाँ मैं बैठा था थोड़ी देर भीमशिला के पास, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई साधुओं का पेट, भूखे पेट साधु को मत रखो ये वो, तो मैंने कहा ठीक है मैं रोटी लेकर आता हूँ। मैंने रोटी खिला दी, बाकी अब जहाँ से प्रसाद लिया था वहाँ पे जूते हैं मेरे, वो लेके फिर देखते हैं कुछ खाते पीते हैं। चलिए मिलते हैं आगे। जय भोले। सुबह के 4:30 बज रहे हैं, तो फिलहाल अभी बज गए हैं 5 और ऐसा कुछ सीन है। देखो पूजा हो रही है, अभी लाइन में लगे हुए हैं। सो फिलहाल सुबह का सीन, वो देखो सनराइज हो रहा है। भाई साहब फाइनली 7 बज गए हैं
और मंदिर के पास आ गए हैं। लाइन देखो आप, वो पूरी लाइन जा रही है पीछे से वहाँ नीचे तक। फाइनली दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। अंदर गया मैं पूरा आराम से, मैं लगभग 30-40 सेकंड तक, मतलब 2 मिनट आराम से रुका हूँगा, तो कम से कम 1 मिनट तो मैंने शिवलिंग को ही छुआ। बहुत बढ़िया दर्शन। ये देखो संजय बाबा भाई, सुबह 3 बजे से खड़े थे और अब टाइम हो गया है 8:21 पे जाके दर्शन हुए। निकला हूँ मैं बाहर, 3 बजे से खड़ा था। हर हर महादेव, सुकून मिल गया यार। तो भाई फिलहाल 9:30 बज रहे हैं और मैं दोबारा, मतलब तीसरी बार फिर से आ गया हूँ थोड़ा सा टायर चेंज करके। ये देखो बाबा केदारनाथ, मैं अंदर गया था, बढ़िया था यार अंदर दर्शन अच्छे हुए। और ये देखो पीछे भीड़ अपरंपार है, मतलब ऑफ सीजन में भी अच्छी खासी भीड़ है भाई, बहुत ऊंचा है। वीआईपी दर्शन कहाँ से शुरू होता है, कैसे होता है रजिस्ट्रेशन? तो ये है आदि शंकराचार्य, कंप्यूटर में डाल दोगे पूरा वॉलपेपर बन जाएगा। थैंक यू। अब उसकी 15 मारो उसमें। जल्दी हो जाओ। रुको भैया रुको, पीछे आ रहे हैं लोग। पानी। हाँ दीपक है। हाँ दीपक है। अरे क्या ना बोलो कुछ ना
इससे वीडियो बना लो उसमें बना बना लैंडस्केप में। देखो अब ये दोनों आए हैं, पूजा कर रहे हैं। गए थे वीआईपी एंट्री में बात करने तो 2100 रुपये था और टाइम लगेगा, इसीलिए फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं करेंगे क्योंकि इस वक्त लाइन बहुत लंबी लग चुकी है। मैं तो आ गया था 3 बजे, 8:30 बजे तक दर्शन हो गया था, फिर दोबारा आया हूँ। बस दर्शन करेंगे, अब जाएंगे ऊपर भैरव बाबा के पास, वहाँ से फिर वापस होएंगे, वापस उतरेंगे, सामान वगैरह उठाएंगे अपने रूम से, निकला जाएगा। मिलते हैं आगे। बाकी इन दोनों की तो हालत खराब थी रात में, बाकी दवा वा अमित के तो पैर में कुछ चोट वोट लग गई है शूज़ की वजह से, शू बाइट वगैरह हो गया तो वो ज़्यादा चल वल नहीं पा रहा है। बस फिलहाल ऐसा कुछ सीन है, मिलते हैं, जय भोले। ये देखो रिवर मंदाकिनी, ये कुछ ऐसा है, बाबा केदार का मंदिर वो रहा उस साइड, वो देखो। और अभी हम लोग भैरव बाबा मंदिर जा रहे हैं, वो ऊपर है, खड़ी चढ़ाई है देख लो, 1 किलोमीटर की लगभग। मिलते हैं आगे, हर हर महादेव। ये देखो हाँ ऊपर जा रहे हैं, वो रहे बाबा केदार। देखो प्रिया अब वो देखो आर्मी का हेलीकॉप्टर, कुछ सामान लेके आया था अभी। देखो तो भाई हम लोग चढ़ के आ गए हैं, ये देखो नीचे, और यहाँ किधर भैरव बाबा का मंदिर हो रहा। तो ये है बाबा भैरव नाथ, ये देखिए आप ले केदार घाटी, और ये हिमालय। लो थोड़ा थोड़ा अर्पण कर दो, पूरा पूरा नहीं। चलो लेना है क्या? चौक को काट के घाटी बना दे, कहाँ जा रहे हम आराम से? बहुत हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, और ये रहा भैरव बाबा का मंदिर, दर्शन कर लिया है, अब खड़ी चढ़ाई उतर रहे हैं, एकदम है स्टीप स्लोप है ये। चलो फिर अब यहाँ से रूम पे जा रहे हैं, सामान उठाएंगे,
और फिर जाके देखेंगे, अगर हेलीकॉप्टर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई ऐसे ही जैसे आए तो वैसे जाएंगे। देखो पूरा भोले बाबा, वहाँ से पानी आया था देखो, पूरा कैसे कटान है बिल्कुल चोरा बारीक ग्लेशियर से। वो हेलीपैड है पब्लिक वाला, और एक वो हेलीपैड है, मुझे लगता है वो ऑफिशियल्स का है। चलिए मिलते हैं आगे, जय भोले। आपको दिखाते हैं कि अगर आप लेट में आते हो दर्शन करने के लिए तो आपको कितना वेट करना पड़ जाएगा। सामने देखिए, वो है बाबा का मंदिर, और वो देखो लाइन जा रही है एक, देखो ये जो शेड लगा हुआ है उसके अंदर से, फिर ये जो शेड दिख रहे हैं पूरी लाइन दिख रही है ऐसे ऐसे ऐसे, फिर वो देखो जो ओम वाला आपको दिख रहा है, ओम की मूर्ति लगी हुई है वो, और उसके इधर ये लाइन लगी है, यहाँ तक सोचो आपकी लाइन लगी हुई है। इस वक्त टाइम हो रहा है 11:34, यानी 11:30 बज गए हैं। तो मैं बेसिकली 3 बजे लगा था, तो मुझे जस्ट ये जो यहाँ पे शेड ये पहला वाला दिख रहा है, यहाँ पे मुझे मतलब मैं खड़ा हो गया था, और फिर वो बस सी शेप में गया और अंदर मंदिर में गया। चार बार मैंने बढ़िया शिवलिंग को छुआ, माथा टेका, उनके ऊपर पूरा घी लिपटा हुआ था, मैं पूरा मेरे बालों में घी था, मतलब वो मैं बता नहीं सकता हूँ कितनी अच्छी वाइब थी, इतना सुकून मिल रहा था वहाँ अंदर जाके, बस वर्थ इट, मतलब मेहनत सफल हो गई है। इतना लंबा ट्रैक है, अब वापस भी जाना है, देखो कैसे जाते हैं, भोलेनाथ की कृपा रहेगी पहुँच जाएंगे फटाफट। फिलहाल समअप करूँ तो देखो चढ़ाई तो भाई टफ है, लिटरली टफ है। अगर आप बहुत पहले से अगर ट्रैकिंग वैकिंग कर रहे हो तो आपके लिए ईजी होगा, अब जैसे बेसिकली मैं कभी ट्रैक व्रैक इतना करता नहीं हूँ और चलता भी नहीं हो इतना बेसिक, तो फिलहाल मेरे लिए मुश्किल था, बहुत मेहनत लगी। खैर 11 घंटे में पहुँचे भी, ट्रैक शुरू हुआ सोनप्रयाग से गौरीकुंड, 50 रुपये सूमो में बैठ के आए थे, उसके बाद वहाँ से फुट ट्रैक है उसी से शुरू हो गया था। फिर यहाँ के कैंप टेंट 200-500 सब ऐसे ही है, मिल रहा है पूरा, जो भी आप लेना चाहोगे आपकी जैसे बजट है उस हिसाब से मिल जाएगा। फिलहाल हम लोगों ने रूम लिया था, दिखाता हूँ, ये देखो ये मंदिर है ठीक है, और हम लोग का रूम ये रहा, ये जो वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है हाँ ये वाली, ये तो इसी में हम लोग रुके थे। तो इसका हम लोग को ट्रिपल बेड का 3500 रुपये पड़ा, 3500 था, ठीक था। पानी की सुविधा, गर्म पानी की सुविधा नहीं थी, वो 150 रुपये बाल्टी अलग से ला के देता है, यहाँ सब ऐसे ही है। अब देख रहे हो जैसे आप सामने देखो कितना कुछ कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, देखो धीरे धीरे आने वाले समय में सब डेवलप हो जाएगा पूरा। ये देखो जैसे कैसे कवर इन लोगों ने पूरा किया है, यहाँ काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल लगा के पूरा ऐसे गोल गोल इधर उधर कवर किया है, जिससे कभी भी हल्की फुल्की बाढ़ आए तो जो पानी है वो इधर और इधर डाइवर्ट हो जाए और यहाँ पे आके मिल जाती है नदी। यहाँ पे देखो इस जगह पे मंदाकिनी दो जगह से आती है, एक इधर से इधर वाले ग्लेशियर से है और फिर शायद इधर से भी आता है, तो ये मिल के यहाँ पे मंदाकिनी बन जाती है, यही नीचे जाती है पूरी। फिलहाल ये है, और ये कोई ट्रैक है ऊपर, ये देखो कैसा ट्रैक है, ये ऊपर गया है पूरा, देखो कैसे उस पहाड़ के पीछे तक गया है, और शायद मुझे पता नहीं, मैंने कुछ लोगों से पूछा तो बताते हैं वासुकी ताल का ट्रैक यही है, जो कि अलाउड ऐसे नहीं है, आप किसी को हायर करोगे कुछ लोकल ट्रैकर होगा उसे तभी आपको जाने देते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो यही है, झरना भी है सामने, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, सब बह के आ गया था नीचे, राजदी के टाइम से सब ऐसा है, वरना पहले पूरा हरा भरा हुआ करता था, पूरा मिट्टी कैसे सब साफ कर गई, वो देखो वहाँ पे भी। तो बस यही है, चलते हैं मिलते हैं आगे आपसे, जय भोलेनाथ, बाय बाय। किसी और का नहीं उठाया जाता, क्यों उठा के बना रहे हो यार, ये देखो कैसे लगा हुआ है, कैसे बैलेंसिंग करी गई है, देख रहे हो, ये देखो टेम्परेचर
इन दोनों के देखो ये मोबाइल चलाने आए हैं यहाँ पे, कोई और काम नहीं है इन दोनों के पास। चलो देखे कितना दम है इनके। ये देखो, हाँ ये देखो भाई, ओम वाला मूर्ति जो मैं बता रहा था ऊपर से देखा था, वो भैरव बाबा का मंदिर है। और लाइन देखो यहाँ तक लग चुकी है। अब हम लोग जा रहे हैं, विदा ले रहे हैं बाबा केदार से। जय भोले, फिर कभी भोले बाबा के दर्शन करने ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए जय भोलेनाथ। अबे देखो आगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय महाकाल। हर हर महादेव। उठो 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 उठो, घोड़ों की वजह से इतनी गंदगी हो रखी है, इतना चलना मुश्किल हो गया है। जहाँ पानी कीचड़ होता है देख ही रहे होगा आप कितना गंदा है।